डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में स्वागत है। आइए देखा जाए आज का रिक्वेस्ट किसका है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग अपने सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट देखते हैं, जो लोग कमेंट किए रहते हैं अपने डिटेल्स, उनको हम लोग चार्ट, उनका सारा चार्ट देखेंगे और उनके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हिना सोनी जी का ये मतलब लिखा हुआ है इन्होंने अपना डिटेल्स, 15/5/97 9:17 पे रात में हुआ है इनका, अहमदाबाद से हैं, शादी के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोग देखेंगे कैसे देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे, सारे बारे में हम लोग चीज़ें बात करेंगे। हर किसी के चार्ट को लेते हैं, तो अभी इनका चार्ट लिया जा रहा है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे और आप लोग भी इससे सीखते रह सकते हैं। तो इनका ये डिटेल और इनका ये चार्ट है, इनका डिटेल भी है 12 मई 1997। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मई, ठीक है, 1997। ओके, तो हमने ये चार्ट बना लिया, अब इस चार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब्सक्राइबर का है, जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके चार्ट को देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको अब पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इनके चार्ट में प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छे बुरे जितने हम लोग के प्लैनेट होते हैं उनको हम लोग अलग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि बताया, जो ये हमने अभी बनाया है, इसके अंदर आने वाले सारे नंबर 5, 8, 11, 12, 4, ये सारे नंबर जो होते हैं इनके स्वामी इनके लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, ये एक इजी मेथड है जानने का, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं बट जो सिद्धांत में है, बट अभी ये आपको हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे। अब देखिएगा, इनका मंगल, इनका शनि, इनका गुरु, इनका सूर्य और इनका चंद्रमा, ये इनके लिए ठीक है। ठीक है, लेकिन अब इनमें ठीक होने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो आपके गुरु हैं, गुरु का नंबर है 12, वहाँ ये नीच के हो गए हैं गुरु, तो इस घर से फल नहीं आ पा रहा है। ठीक है, साथ में देखेंगे शनि केतु के साथ है, ये भी एक सैड बना, तो ये एक ऐसा योग है जो बहुत दुखी करता है लोगों को। ठीक है, ये आपको मालूम होगा, शनि का काम ही है, शनि जी का काम है, जैसे आप वो नीच शनि होंगे किसी के चार्ट में तो देखिएगा वो भी बड़ा सैड रहता है। ऐसे ही चंद्रमा के साथ हो जाए, चंद्रमा को देख लें, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इनकी प्राइमरी चीज़ें हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस घर से, ये घर कौन सा है आपके, हर रिश्ते में प्यार, आपका रियल ज़िंदगी का प्यार, ठीक है, ज्ञान, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती है, क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर होती है नॉलेज के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इसके स्वामी ही नीच के हो गए हैं यहाँ पे, है ना, 10 नंबर में है जुपिटर, तो इस घर से इनको फल नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहला काम तो आप जुपिटर को ठीक करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम सुनी जी, आप ध्यान दिए, आपको जुपिटर को ठीक करना है। जुपिटर को ठीक करने का तरीका होता है, बृहस्पतिवार का फास्ट उठा लीजिए आप। ठीक है, और बृहस्पतिवार के दिन आप पुखराज भी पहन लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। और साथ में इनका पूजा पाठ बहुत ही मन लगा के करिएगा, एक भगवान को पकड़ लीजिए और एकदम बढ़िया से पूजा पाठ करिए, वैसे भी आपके इष्ट देव हैं। ठीक है, बृहस्पति भगवान, ठीक है, कृष्ण भगवान, राम जी, ये सारे लोग आपके इष्ट देव हैं, तो इनका विष्णु भगवान, ये सारे लोग पे ध्यान रखेंगे, स्पेशली बृहस्पति भगवान को करेंगे आप। ठीक है, ये आपका प्राइमरी चीज़ है, क्योंकि ये नहीं तो शादी में दिक्कत करवाते हैं, जब भी किसी के भी चार्ट में अगर ऐसा हो तो, ये हम सबके लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब शनि केतु जब भी साथ होते हैं किसी के चार्ट में तो ये दुख रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दुख कैसा होता है कि एक पहली चीज़, इस घर में केतु बैठा हुआ है जो कमी रिप्रेजेंट करता है, शनि हर चीज़ में आपको देखेंगे कमी निकालता है। तो आपको मान लीजिए किसी ने कुछ बोला, तो आपको मान लो कोई बात बोल भी रहा है, तो जैसे हम लोग में से किसी को बोल रहा हूँ, चार लोग हैं, तो आप देखोगे उन चार लोगों में से तीन को तो बात बुरी नहीं लग रही, बट आपको कुछ ज़्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, आप सैड हो जाते हो बात बात पे, तो जो पेरेंट्स भी कुछ बोलते हैं तो जो आपको नहीं लगना चाहिए था बुरा, वो भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है आपको। ठीक है, ये चीज़ है, ये कई बार सुसाइडल थॉट्स भी देते हैं, बट इट्स ओके, ये अभी आपको परेशान नहीं होना है और बढ़िया से काम करना है। ठीक है, जुपिटर का ध्यान रखेंगे, मतलब भगवान बृहस्पति का, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जुपिटर को बस ठीक करिए, आपके जुपिटर ख़राब है, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं
ये आपको हमने बता दिया था, ये आपके अच्छे वाली पार्ट है। चलिए अब हम देख रहे हैं आपका उच्च का सूर्य है, बहुत अच्छी बात होता है ये। उच्च का सूर्य कर्म के भाव ही आपका उच्च हो गया, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। साथ में वहाँ मंगल है जो कर्म के लिए ज़रूरी होते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। नीच गुरु आपको थोड़ा लंबा बैठ के पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये आपको हेल्प करने के लिए हैं, आप हेल्प लें और अच्छे से करें। देखिए मंगल जो होते हैं वो 10 नंबर पे ऊंच के होते हैं, ठीक है, 10 नंबर पे, और ये अभी 5 नंबर पे हैं, ठीक है, यानी 4 नंबर से जस्ट आए हैं यहाँ पे। अब ध्यान रखेंगे सब, जब भी कोई किसी जगह पे कोई भी नंबर पे ऊंच का या नीच का होता है तो उसके ठीक सामने वाले नंबर पे उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए जुपिटर यहाँ पे नीच के हैं तो 4 नंबर पे ऊंच के होंगे, ठीक है। अगर जो मंगल है वो 4 नंबर पे नीच के होते हैं तो 10 नंबर पे ऊंच के होंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जैसे सूर्य को देखिए, सूर्य 1 नंबर पे नीच के होते हैं तो 7 नंबर पे, 1 नंबर पे ऊंच के होते हैं तो 7 नंबर पे नीच के होते हैं, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब मंगल की बात करते हैं, तो मंगल 4 नंबर पे नीच के होते हैं और अभी अभी इन्होंने राशि परिवर्तन करके आए हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि कितना टाइम हो गया, तो ये कह रहा है मंगल को आए 24 डिग्री हो चुका है, यहाँ से यहाँ आए यानी काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। ये टोटल यहाँ से आना चालू करते हैं तो यहाँ 0 डिग्री रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद से क्या होगा, फिर 0 के से चालू होगा, 15 तक आएगा, बीच में हो गया, फिर 30 आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इस घर से बाहर निकल जाएगा, फिर कहाँ पे आ जाएगा, 6 वाले में, ठीक है, ये समझ गए। ये डिग्री बस यही रिप्रेजेंट करता है कि इस घर में ये कितना आए हैं, ठीक है, ये बताता है। जैसे मरकरी लिखा है कितना, 6 डिग्री, तो मरकरी इस घर में देख लीजिए, मरकरी इस घर में 1 के बाद अब 2 में जाएंगे, 12 से होके 1 में आते हैं फिर 2 में जाते हैं, ऐसे सारे प्लैनेट ऐसे ही जाते हैं। तो ये कह रहा है 6 डिग्री ही है मरकरी, ये कंडीशन बहुत शानदार है। तो 6 डिग्री पे कई लोग, जैसे किसी भी घर के बीच में होने से वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं उस घर पे, ठीक है, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो अपने उच्च के और नीच के पोजीशन में पूरा बीच में नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर फ़ायदा डालते हैं, ठीक है। खैर तो अभी इनको हम आपको पहले समझा दें, तो उच्च के सूर्य हैं ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है, आपके कर्म भाव को बहुत अच्छा कर रहे हैं जहाँ पे कि मंगल बैठे हैं, और मंगल कौन है, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो लग्न का भी कनेक्शन बन गया आपके कर्म से, और गवर्नमेंट जॉब भी दे रहा है आपका कर्म, तो आपको कर्म प्रधान बनना ही होगा, मेहनत करने पे लग जाइए, ठीक है। एक चीज़ और, मंगल की ही राशि भी है ये, राशि परिवर्तन योग है, ठीक है, आप मेहनत करिए, आप बहुत बेहतरीन करेंगे लाइफ में, ठीक है। और आपको एक बात और बता देते हैं आपके इस चार्ट के हिसाब से, ठीक है, केतु है यहाँ पे जो यहाँ से देख रहा, फिर 1 और 2 दूसरे पे जा रहा, ठीक है, मतलब इनकी नौवीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके लग्न पे। ये क्या करता है, ओवर थिंकिंग दे देगा, बहुत ज़्यादा सोचने की आदत, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, और सोचना भी क्या कर रहा है, तो ये प्यार को लेके बहुत सोच रहा है, क्योंकि ये हाउस आपके प्यार को भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो रिश्ते में प्यार हो या रियल प्यार हो, ठीक है। चलिए और दूसरी बात एक और बताते हैं आपके, यहाँ से तो आपने ये रिलेशन देख लिया, इसके अलावा आपको एक और बताते हैं, शनि जब केतु के साथ होता है तो ये भी अच्छा नहीं मानते। अच्छा किस वजह से और नहीं मानते, मतलब भूत पिस प्रेत ये सब देखने के बहुत योग बन जाते हैं, तो नॉर्मली लोग डर जाते हैं, ठीक है, और आप डर बहुत जल्दी जाते हैं, ठीक है, क्यों कि एक देखो आप, एक तो चंद्रमा यहाँ से देख रहे हैं आपके सौर्य में, और वहाँ नीच का जुपिटर बैठा हुआ है बृहस्पति, इस वजह से आप बहुत जल्दी डर जाते हो, ठीक है। बस एक अच्छी बात है कि आपका जो राहु है वो भी यहाँ देख रहा है, ठीक है, वैसे तो आप काफ़ी डर जल्दी जाते हो, ये क्लियर सा है। अब यहाँ से देखो आप कि जो शनि और केतु साथ है, इस वजह से आपको भूत पिशाच का योग बन रहा है, प्रेत उड़ेत का वियोग बन रहा है, तो थोड़ा सा मतलब बढ़िया से रहेंगे, ठीक है, और कोई घबराने की और डरने की बात नहीं है। आप लोगों को अगर मन होगा तो हम इस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है, जानने के लिए अगर किसी को मन हो तो। चलिए अभी और आगे पढ़ते हैं, इसमें भूत पिशाच से आगे बढ़ते हैं, शादी वाले घर में आते हैं। इनके शादी वाले घर में शुक्र
बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। शुक्र बैठे हैं अपनी ही राशि में, बहुत अच्छी बात है। बस शनि की तीसरी दृष्टि है जो क्या करवाएंगे, या तो डिले करवा देते हैं या एज गैप देते हैं, ठीक है, ये चीज़। फिर नीच के जुपिटर का भी दृष्टि है यहाँ पे, पांचवी दृष्टि आ रही है, शनि की दृष्टि आ रही है, जुपिटर की दृष्टि आ रही है, ठीक। उसके अलावा कौन देख रहा है, ध्यान दीजिए, राहु भी देख रहे हैं, ठीक है। दो नंबर के लॉर्ड कौन है, शुक्र, वो यहीं आके बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। साथ में नीच के जो जो शुक्र नीच के जो आपके जुपिटर यानी बृहस्पति देख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। शनि का तीसरी दृष्टि लेट करवा सकते हैं, राहु की दृष्टि है, ये लेट के लिए हम चलिए बात है, सही है, आप लेट हो सकता है, लेकिन जुपिटर का नीच हो जाना और उनका देखना ये नहीं ठीक होता है, ठीक है, ये शादी ख़राब कर देते हैं। चलिए इसको भी सही किया जाएगा। तो हमने बताया आप पहले क्या करेंगे, जुपिटर को ठीक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखिए राहु जब यहाँ देखते हैं और शनि दोनों देखते हैं तो थोड़ी आपके जो शादी होगी उसमें कहासुनी हो जाता है, ठीक है। कहासुनी होता है मतलब आपकी मैरिड लाइफ में कहासुनी होता है। अब हम इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में होगा कि नहीं, तो हम 9 मास को देखेंगे। 9 मास को चेक करते हैं, याद रखिए 9 मास में चेक करेंगे कि पहले हाउस में क्या कंडीशन है, ये आपके ओवरऑल चार्ट के बारे में बता देगा, ठीक है। तो पहले हाउस में ये लग्न में शनि का लग्न है यहाँ पे, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस पे कोई प्लेनेट ऐसा जो ख़राब देख रहा हो, तो स्वराशि मंगल देख रहे हैं। फिर यहाँ देखिए जुपिटर, अच्छी बात है कि जुपिटर 9 मास में जो है अब नीच नहीं रह गए हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। आपका देखिए लग्न में शुक्र स्वराशि थे और 9 मास में उच्च के हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यही सब करते भी हैं, बचाते भी हैं। शनि राहु का योग है यानी भूत प्रेत वाला योग अभी बना हुआ है आपका, ठीक है। और शनि का दृष्टि आ गया है शुक्र पे, जो कि आपके फर्स्ट लगन में भी दिख रहा था और 9 मास में भी दिख रहा है। ये थोड़ा सा आपको हस्बैंड में दिक्कत है, हस्बैंड में कमी दिखा रहा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, आइए 4th हाउस यानी कि आपकी खुशियों को देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें मरकरी बैठा हुआ है शुक्र की राशि में, चलिए उनका मित्र है वो, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसको कौन देख रहा है, राहु देख रहा है, और कोई देख रहा है क्या, चेक कर लीजिए आप लोग भी। मंगल देख रहे हैं, राहु देख रहा है, जुपिटर देख रहे हैं, समझ में आ रहा सबको, गुड। तो अब देखो यहाँ से जब सबसे पहली बात मरकरी है, बहुत अच्छी बात है, जुपिटर देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, राहु देख रहे हैं ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, मतलब थोड़ा सा झगड़ा दिखा रहा है यहाँ पे। खुशियों में अगर राहु आ गए तो खुशियों में प्रॉब्लम लाते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ जब फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट हाउस में कौन देख रहा है, तो मंगल देख रहा है जो गुस्सा ला देता है, ठीक है। ओवरऑल ठीक है, कोई बात नहीं है, आप चला ले जाओगे शादी को, ठीक है। इसमें एक शुक्र भी उच्च के हो गए हैं, शनि स्वराशि हो गए हैं, जुपिटर जो कि बृहस्पति जो कि ख़राब थे वो ठीक है, मंगल स्वराशि हो गए हैं, ठीक है। कुल मिला के अभी कंडीशन बेटर है, आप चला ले जाएंगे, ठीक है। आइए लग्न में आते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर बताया कि कार्य क्षेत्र में आपका सही दिखा रहा है, पिताश्री आपके काफ़ी शांत दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। मम्मी की बात करें तो ये आपके मम्मी का घर है 11 नंबर जो कि शनि का है, शनि केतु के साथ आके बैठा हुआ है पंचम में, यानी आपकी मम्मी जो है मुंह से तेज है, मुंह पे बोल देती है, ये एक उनकी आदत आपको दिख जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आपके ये पूरे सिबलिंग्स के बारे में बताता है, भाई बहन के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ से भी मंगल देख रहे, तो यहाँ से जो चंद्रमा देख रहे हैं इसको, इसका मतलब यहाँ एक बहन का ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपकी बहन भी है कोई, ठीक है। फिर वहाँ जुपिटर है, गुड, वेरी गुड, वहाँ भाई को कह रहा है कि भाई भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर से लग रहा है कि एक भाई है, एक बहन है, और उसके बाद से राहु की दृष्टि भी है, ठीक है, राहु की दृष्टि और किसी की भी है क्या, नहीं, तो राहु भाई भी दे रहा है, जुपिटर भाई दे रहा है, बहन भी दे रहा है, चलिए बढ़िया है, मतलब फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। अब आइए एक बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन बड़ा कौन, मतलब क्या अच्छा क्या बुरा, किसके साथ कैसा रिलेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप बड़ों के साथ थोड़ा सा आपका कहासुनी हो जाता है,
बड़ों के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ राहु बैठे हुए हैं, ठीक है। वैसे जब भी जुपिटर ख़राब हो किसी के में, तो ये देखा जाता है कि उनको 10 लोग तो ये ज़रूर बोलेंगे कि आपका नेचर नहीं ठीक है, मतलब आप में बदतमीजी दिखती होगी। तो सबसे पहली चीज़, जब आप जुपिटर की पूजा पाठ चालू करते हैं बृहस्पति भगवान की, पीले कपड़े पहन के आप रहेंगे ज़्यादातर, और सॉरी बृहस्पतिवार को तो कन्फर्म है बिल्कुल, उसको और कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको पीला कपड़ा ही पहनना पड़ेगा। और उसके अलावा जितनी हो सके सात्विक ज़िंदगी जिएंगे आप, तो आपकी बॉडी में सात्विकता आती है, साथ में आप में अपने आप देखोगे कि अपने आप कुछ टाइम में आदर भाव जनरेट हो जाएगा, आप लोगों से आदर में बात करोगे, ये मतलब है कि आपका जुपिटर ठीक होना चालू हो गया है, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ है। और आप खुद भी कोशिश करेंगे इसका, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, जुपिटर का ठीक होना ज़रूरी है कई चीज़ों के लिए। शुक्र का ठीक है, आपके ठीक है, आपके बहुत ठीक है, ये भी बढ़िया है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ कही जा सकती है कि कैसी है। ओवरऑल अगर आपके चार्ट की बात करें तो जुपिटर ठीक नहीं है, लेकिन जुपिटर अपने घर में है, ठीक है, और नौ मास में उच्च के हैं, इसलिए यह भी गनीमत है। मार्केस है जुपिटर आपके, ठीक है, यहाँ से भी देखिए। चलिए अब इसके अलावा आपकी शादी के बारे में हमने बता दिया, कैसे रहेंगे क्या रहेंगे, चलो और एक चीज़ बता दे रहे, दिखने में अच्छे रहेंगे, जैसे आप भी दिखने में अच्छे हो, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है प्लस चंद्रमा अपने ही घर में बैठा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है कि आप दिखने में अच्छे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब शुक्र को देख रहे हैं आपके हस्बैंड के बारे में या आपके हस्बैंड के घर के बारे में हो जा रहा, तो दो नंबर शुक्र यहाँ पे खुद है, इनका मतलब बता रहा है कि आपके हस्बैंड भी दिखने में अच्छे होंगे। फिर शनि की दृष्टि आ रही है, शनि की दृष्टि होने से क्या ये बताता है, शनि अपना कौन सा नेचर इनको देंगे, एक तो नेचर ये रहेगा कि इनके साथ इनका कोई डिफरेंस बनेगा, ठीक है, जैसे एज गैप हो जाए, ज़्यादा एज के हों, या कास्ट गैप हो जाए, कास्ट बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, गैप बनती है, ठीक है। इसके अलावा एक जो चीज़ और दे देते हैं कई बार, इनको मतलब हस्बैंड को पूरी बॉडी पे बाल, ठीक है, या स्किन कलर डार्क या नाटा, ये चीज़ इफ़ेक्ट अपना सनी डाल सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को भी आप देखेंगे। वैसे तो आपके सनी अच्छे हैं, ठीक है, सनी आपके अच्छे हैं, और सनी आके बैठे भी हैं, बट केतु के साथ बैठ गए इसलिए थोड़ा सा सैड करते हैं, बाकी आपके सनी ठीक हैं। आपके लिए मंगल ठीक है, शनि ठीक है, जुपिटर ठीक है, सूर्य ठीक है, चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा भी देखिए अपने ही घर में बैठा हुआ है, ठीक है, अपने घर में बैठा हुआ है। आइए अब यहाँ से बात करते हैं, शुक्र जो आपके ठीक नहीं है वो आके बैठे हुए हैं आपके सेवेंथ हाउस में, लेकिन क्योंकि ये अपने ही घर में है तो इसको बुरा नहीं करते, कोई अपने घर को बिगाड़ता नहीं है। सूर्य जो आपके उच्च के हैं वो सेवा भाव में बैठे हैं, गवर्नमेंट जॉब कोई प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पे, या गवर्नमेंट से फ़ायदा। फिर यहाँ पे देखेंगे आपके लिए जो सही नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो है बुध है जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, बुध जो है आपके लिए सही नहीं है, और बुध एक घर ये है, एक घर ये है, खुद आके कहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको बुध का भी बुध का भी ख्याल रखना है, इनकी भी पूजा पाठ करनी है, नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी न्यूरॉन्स से रिलेटेड, ठीक है। मरकरी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो इस चीज़ का आप भी ख्याल रखेंगे और इसका ध्यान देंगे, ठीक है। मरकरी एक किन किन चीज़ों पे आपके इफेक्ट डाल रहे हैं वो भी बता दे रहे हैं, एक आपके बीमारी, एक सडन लॉस सडन गेन है, ठीक है, और थोड़ा अध्यात्म से भी जोड़ा जाता है इसको। फिर साथ में देखेंगे तो ये आय भाव से भी जुड़े हुए हैं, मतलब आपकी जो इनकम है उस पर भी असर डाल रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखोगे आप, ये जो दो घर हैं ये अध्यात्म का भी माना गया है, एस्ट्रोलॉजी का भी माना गया है, ये छुपे हुए ज्ञान के लिए ये भी हैं, लेकिन ये ऐसे ज्ञान है जैसे आपके न्यूमरोलॉजी है, हस्तरेखा है, ऐसे छुपी हुई चीज़ें भी इसमें भी आती हैं, ठीक है। ये तीनों घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखोगे आप कि जब जब इन जगहों पे शनि और जुपिटर का असर आएगा, जो भी जातक होगा डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी को मानने जानने वाला हो जाता है। तो यहाँ से इन्होंने अपना असर डाल दिया है, ये इनकी नीच के में भले हैं बट यहाँ ये इनकी ऊंच की राशि है, ठीक है। चलिए तो ये इनके चार्ट का था, अब इनके चार्ट के हिसाब से हम चेक कर लें कि ये कह रहे हैं इनके शादी का टाइम बताने के लिए। तो शादी के टाइम को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि इन ये घर पूरा फुलफिल हो रहा हो, ठीक है, ये घर पूरा फुलफिल हो रहा हो, कहने का मतलब कि शुक्र का टाइम हो, शुक्र इसमें क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो शुक्र का टाइम है इनका, ठीक है,
फिर जुपिटर देखिए पांचवी दृष्टि से इसको देख भी रहे हैं, ठीक है, शनि देख रहे हैं, जुपिटर देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, है ना। लेकिन हम बेसिकली किसको ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, शुक्र, शुक्र पे ध्यान देंगे हम, ठीक है। राहु में, जुपिटर में, इन सब में साधु शादी होती है, ठीक है। अब हम आएंगे जुपिटर के, शुक्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आते हैं इनके दशा देख लिया जाए कि इनकी दशा चल रही है क्या। ये इनका दशा है, आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे उसी में उनका, हम लोग जब शुक्र का देख रहे हैं ना, तो शुक्र किस नक्षत्र में है और उनके सब लॉर्ड कौन है वो भी हम लोग चेक करेंगे। अभी यहाँ आते हैं, पहले यहाँ से आप देखोगे, यानी किसका, मरकरी का चल रहा है, ठीक है, मरकरी का चल रहा है अभी इनका। मरकरी में आते हैं अंदर, मरकरी में इनको दिखेगा कौन, शनि, जुपिटर था अभी तक, फिर शनि आ जाएंगे आपके सातवें महीने के बाद से, शनि आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ आपको दिखा रहे हैं जुलाई तक है, ये 2023 की जुलाई तक है, कौन, जुपिटर, मरकरी में जुपिटर, ठीक है। फिर कौन आ जाएंगे, शनि आ जाएंगे। चलिए यहाँ हो गया, अब आइए फिर से चलते हैं, यानी जुपिटर इनके काम करवा रहा है, जुपिटर ही, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि भी है यहाँ पे, ठीक है। आइए अब चेक करते हैं शुक्र के बारे में कि शुक्र किसके नक्षत्र में है, सब लॉर्ड कौन है, प्लेनेट सब। आइए अब यहाँ पे शुक्र देख लीजिए, शुक्र, वीनस, ये रहे वीनस है, वीनस को आइए देखते हैं, सब लॉर्ड कौन थे इनके, शुक्र खुद थे, ठीक है। फिर सन नक्षत्र लॉर्ड है, ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड है, तो कौन आ गया, शुक्र और सन आ गया। अब हम इसको भी चेक करेंगे, अब उसमें भी डिटेल में जाना हो ना तो ऐसे जाते हैं, ठीक है, जैसे दशा में हम और भी डिटेल में जा रहे हैं, 2023 में आ गए और इनका टाइम चल रहा है 2026 के अंदर, सॉरी 2026 में है, 2026 में आ गए, 2023 कौन सा महीना चल रहा है आपका, ये आठवां, यानी हम पार कर गए, आ गए सैटर्न में, सैटर्न में आ गए शनि में। अब शनि में देख, शनि इनकी दृष्टि दे रहा था, ठीक है, शनि भी इनके लिए अच्छा है, शनि दृष्टि भी दे रहा है, गुरु नीच के थे वो अभी होने नहीं दिए हैं, अब इसी कार्यकाल में होगा, यही शनि के ही टाइम में होगा, ठीक है। अब शनि में देख लेते कौन थे उस समय, हम लोगों ने देखा शनि में कौन थे, शुक्र, शुक्र और सब लॉर्ड में शुक्र, शुक्र और शनि, सूर्य, ये थे ना। तो आइए हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं 2024, और शनि की ही दशा में बात की जाए तो मरकरी इनका स्वामी कौन है, मंगल है। चलिए बहुत बढ़िया, यानी 2024 में इनका योग बन रहा है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं कि एक साल बाद इनका नक्षत्र, इनका आइए हम चेक करेंगे गोचर, क्या योग बना रहा है, ट्रांजिट, ट्रांजिट में आ गए गोचर में, तो 2024 में इनका कब योग बन रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी जुपिटर यहाँ है, एक नंबर में अभी इस समय है, अब ये आएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा जुपिटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं शादी के लिए, ठीक है। तो जब यहाँ आ जाएंगे जुपिटर, यानी गुरुदेव, गुरु यानी एक साल बाद आ रहे हैं यहाँ पे, यानी 2024 में आ रहे हैं। अब यहाँ 2024 में जैसे वो आएंगे, ठीक है, तो आपके चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि शनि ऑलरेडी अपने घर में है, शनि ऑलरेडी अपने घर में है, मंगल की भी दृष्टि देखिए जैसे आप थे वैसे ही हैं, फिर अभी ये सूर्य भी यहाँ आने वाला है, ठीक है। यानी एक मंथ बाद आपके लिए कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। उच्च का सूर्य आपका वैसे ही था, जब जब घूमेगा बढ़िया फल देगा, भाग्य में बैठा हुआ है अभी, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, अगले साल आपके साथ ही होगी, ठीक है। अभी इसी साल अक्टूबर के बाद देखना बातचीत बढ़ेगी, लेकिन शादी आपके नेक्स्ट ईयर ही होगी, 2024 में होगी, ठीक है, 2024 के लास्ट तक हो जाएगी, ठीक है।
बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, और कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ भी लीजिएगा। ओके चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, जब कोई एक और सब्सक्राइबर क्वेश्चन पूछेगा और हम उनका जवाब देंगे। तब तक के लिए बाय।